हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज मैं कुछ जानकारी नहीं देने वाला हूँ, आज मैं किसी एक प्लांट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं गया हुआ था नर्सरी, मेरे पास मॉर्निंग में नर्सरी वाले की कॉल आई थी कि मैं कुछ प्लांट लेके आया हूँ और सारे प्लांट्स में कुछ ना कुछ खासियत है, तो आप आके एक बार देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप लेके जाइए। तो मैं नर्सरी में गया तो मुझे सच में खासियत लगी कुछ प्लांट्स में, तो मैं वहाँ से लेके आया, 8 प्लांट मैं लेके आया हूँ और उसमें से 6 जो है मेरे फ्रूट्स के हैं और 2 हैं फ्लावर्स के। तो एक दो प्लांट को छोड़कर के सारे प्लांट्स में मुझे कुछ ना कुछ खासियत दिखी थी, इसीलिए मैं वहाँ से लेके आया था। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ कि काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो एक बार आपको भी आइडिया लग जाए कि क्या क्या अब नया आ रहा है, आप भी अपने नर्सरी वालों से डिमांड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ नया बिल्कुल डिफरेंट लेके आया हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराना हो, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक आध दो चीज़ आपको इस वीडियो में से मिली जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी जानकारी भरे वीडियोस लाता रहता हूँ। ऐसी तो नहीं लाता हूँ, मैं किसी एक प्लांट के बारे में स्पेशल बनाता हूँ मैं वीडियो। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं ले चल रहा हूँ आपको इस अमरूद के पेड़ के पास, और इसकी आप पत्तियाँ देख के समझ जाएंगे कि इसमें खासियत क्या है। आप पत्तियों का कलर भी देख लीजिए कितनी, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंस है। जो नॉर्मल अमरूद होता है हमारे यहाँ, तो इसका इसकी पत्तियाँ भी डिफरेंस है। मेरे यहाँ पहले भी ये प्लांट था लेकिन वो सूख गया था, तो इसे मैं दोबारा इस प्लांट को लेके आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं नर्सरी वाले से बोल रहा था कि ब्लैक अमरूद लेके आइए, इसकी जो फल होता है वो लगभग हल्का सा ब्लैकिश कलर लिए होता है, जो बाहरी भाग होता है फल का इसके हल्का सा ब्लैक होता है। तो ये ग्राफ्टेड है, जल्दी ये फ्रूट्स भी देना शुरू कर देगा। फिलहाल मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन इसमें फ्रूट्स नहीं लूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्लांट काफ़ी छोटा है, मिच्योर नहीं उतना। तो ये मेरा ब्लैक अमरूद हो गया, और उसके बाद ये मैंने जैक फ्रूट लिया हुआ है, और ये भी ग्राफ्टेड है, ये रहा ग्राफ्टेड पोर्शन, ये भी ग्राफ्टेड है। और इसकी भी खास बात ये है कि ये साल भर में 2 बार फलेगा, एक जो नॉर्मल सीजन में सारे जैक फ्रूट फलते हैं तब फलेगा, उसके बाद भी एक बार ये फलेगा। तो ये इस प्लांट की खास बात है। और इसके बाद मैं लेके आया हूँ ये प्लांट, ये तेज पत्ते का प्लांट है, मसाले का प्लांट है ये। तो तेज पत्ता आई थिंक सब जानते होंगे, जो घर में मसाले यूज होते हैं, जिनका पत्ता यूज होता है, ये वही तेज पत्ते का प्लांट है। हो सकता है आपके यहाँ का लोकल नेम इसका कुछ दूसरा होता है, इसे बे लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी पत्तियों का यूज होता है, ये जो पीली पत्तियाँ होती हैं इसकी, इन्हें सुखा लिया जाता है, सुखा के इसका मसालों में यूज होता है, ये उसी तेज पत्ते का प्लांट है। तो आप ये मुझे कुछ खास लगा इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। और इसके बाद 2 प्लांट में लेके आया था फ्लावर्स के, तो इसमें से ये रहा मेरा एडेनियम। इसका ट्रंक लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी ट्रंक लेवल इसका मोटा है इसका, और काफ़ी सस्ते रेट में मुझे मिल गया। काफ़ी ट्रंक लेवल इसका मोटा है, प्लस इसमें ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको भी दिखाऊंगा साइड से। देखिए ये 3 ब्रांचेस नीचे से निकली हुई हैं, और एक ये ब्रांच साइड से निकली हुई है, फिर इन ब्रांचेस में ऊपर भी देखिए, अब ये जो ये मेन ब्रांच है बीच वाली, इसमें एक ब्रांच ये है और ये साइड की, इससे भी कई ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज है इसमें। और इस वाली ब्रांच में भी 3 ब्रांच निकली हुई हैं ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। और इसमें ऊपर बड्स भी आ रहे थे, वहाँ पे कुछ और प्लांट भी थे जिनमें फ्लावर्स ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन कभी भी आप नर्सरी में जाइए तो ये कोशिश करिए कि जो आप प्लांट लीजिए उसमें बड्स हों, फ्लावर्स ना हों। क्योंकि फ्लावर्स आने के बाद क्या होता है कि जब आप घर लेके आते हैं 1 या 2 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप अपने प्लांट को शिफ्ट करते हैं तो उनकी रौनक थोड़ी सी कम हो भी जाती है, तो स्टार्टिंग में जो फ्लावर्स होते हैं वो तुरंत गिर भी जाते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि जो प्लांट आप लेके आइए उसमें बड्स हों, फ्लावर्स ना हो। तो इसमें 2-3 ब्रांचेज में बड्स काफ़ी नंबर्स में आए हुए हैं, तो काफ़ी सस्ते में मुझे 100 रुपये का मुझे ये प्लांट मिल गया, क्योंकि नर्सरी वाला मेरी जान पहचान का है, तो वो मुझे जिस रेट में परचेज करता है लगभग उसी रेट में मुझे सेल भी कर देता है। तो काफ़ी मोटा प्लांट है, और लगभग आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है, उसके बाद भी 3 बार मेरे हाथ को लेना पड़ा, मतलब लगभग ये 1.5 फीट का मेरा प्लांट है। और इसका ट्रंक लेवल मुझे हो सकता है कि अभी अंदर हो, मुझे अभी ये लग रहा है कि मुझे शायद कटिंग का प्लांट है, कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, क्योंकि नीचे राउंड शेप नहीं लिया हुआ है, या फिर हो सकता है कि अंदर इसकी मिट्टी के अंदर दबा हुआ है काफ़ी भाग भी इसका। तो जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैं इसके लिए अलग से पॉट मैंने बनवा रहा हूँ, मिट्टी वाले पॉट में कुछ बनवा रहा हूँ, तो जैसे वो पॉट आ जाएंगे तब मैं इसे रिपोर्ट करूँगा। तो जब मैं इसका पॉलीबैग हटाऊँगा तो शायद मुझे अंदर मिल जाए, जिस समय मैं रिपोर्ट करूँगा तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो
तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसमें अंदर ट्रंक है, मोटा वाला गोल वाला ट्रंक है या नहीं है, क्योंकि अभी मुझे शंका है कि पता नहीं कटिंग से ग्रो किया हुआ है या फिर इसमें अंदर कटिंग इसी मिट्टी के अंदर वो ट्रंक दबा हुआ हो, क्योंकि कई बार क्या होता है नर्सरी वाले ट्रंक अंदर दबा देते हैं। उसके बाद ये फ्लावरिंग प्लांट में मेरे पास दूसरा प्लांट है, ये है गार्डनिया, और मुझे कुछ खास लगा ये क्योंकि इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा गोल शेप ना लेकर लंबी पत्तियाँ हैं इसकी, और ये से फ्लावरिंग बर्ड्स इसमें भी आए हुए थे काफ़ी। तो आपको मेरा वीडियो याद होगा जो मेरा अभी गार्डनिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें छोटा सा प्लांट था मेरा जिसको मैंने शिफ्ट किया हुआ था, इसमें फ्लावर्स नहीं आए हुए थे, तो उसमें अब फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, उसमें फ्लावरिंग बर्ड आना शुरू हो गया है। तो कभी मैं अपडेट वीडियो बनाऊंगा आपको आपको तो दिखाऊंगा आपको मैं, तो उसमें फ्लावरिंग बर्ड भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये गार्डनिया मुझे कुछ खास लगा, और इसको आप देख सकते हैं इसमें खास क्या है कि इसका काफ़ी सस्ते में मुझे मतलब 100 रुपये में मुझे इतना बड़ा प्लांट मिल गया, और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस थी इसमें इसलिए इसको मैं लिया था। और इसकी पत्तियाँ मुझे काफ़ी खास दिखी जो कि नॉर्मल गार्ड मतलब गंधराज जो होता है हमारे यहाँ उसकी पत्तियाँ बिल्कुल राउंड शेप में होती हैं, बल्कि इसकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी लंबी पत्तियाँ थी कनेल की तरह, तो इसको मैं वहाँ से लेके आया इसकी पत्तियों के कारण। और इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए, ये है मेरा मैंगो ट्री, आम आदमी वाला आम प्लांट, फलों का राजा आम है। और इसमें इस समय चूँकि इस समय जून का लास्ट चल रहा है, जून का आज 1 जुलाई हो गई, तो 1 जुलाई में आपको शायद ही कभी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मेरे पास एक बहुत पुराना प्लांट था उसमें जुलाई में लगभग ही फ्लावर्स आते थे, तो इस टाइम इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी साल में 2 बार फलेगा, एक बार जो नॉर्मल प्लांट फलते हैं वही मार्च में तब फलता है ये, और एक बार जो है जुलाई में दोबारा ही फलता है, जिसे भी आप साल भर में 2 बार इसमें फ्रूट्स आएंगे। तो ये इसमें जो मुझे खास लगा, और ये भी मुझे 120 रुपये का मिल गया वहाँ पे, तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस मुझे लगा और काफ़ी खास दिखे मुझे ये सब प्लांट। तो मैं अगर सब सारे प्लांट का भी आपको लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्लांट का रेट दे दूंगा, तो आप वहाँ से अपने यहाँ आपकी लोकल नर्सरी में हो सकता है प्लांट का रेट वेरी कर जाए, आपके यहाँ हो सकता है कि सस्ते मिल जाए मेरे यहाँ की अपेक्षा, या फिर आपके यहाँ मेरे यहाँ की अपेक्षा महंगे हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर प्लांट्स का रेट काफ़ी वेरी करता है। कि मुझे 120 रुपये का मिल गया, और दूसरी बात ये मैं बता ही चुका हूँ कि जो नर्सरी वाला है वो मेरी पहचान का है, तो मुझे काफ़ी सस्ते में दे देता है। तो ये मेरा साल भर में 2 बार फलने वाला ये मैंगो ट्री है मेरा। और इसके बाद जो प्लांट लेके आया हूँ मेरा ये है, इसे बेर बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल जबान में, और प्लम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी ग्राफ्टेड ही है, ये रहा इसका ग्राफ्टेड पोर्शन। और इसमें खास बात ये है कि आपको मैं दिखाऊँ इसका, एक बार गौर से आप देखिए, तो इसमें आपको कांटे नहीं दिखेंगे, कांटे हैं लेकिन बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल सॉफ्ट से। देखिए बेर में क्या होता है कि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी कांटों के कारण कई लोग बेर नहीं लगाते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल कांटे हैं ही नहीं इस बेर में, आप जितने भी नोड आप नोड एरिया जितने भी बेर में होते हैं सारे नोड एरिया में कांटे भरे होते हैं, लेकिन आप किसकी नोड एरिया दे सकते हैं, बिल्कुल न्यू नोड एरिया है, बिल्कुल इसमें कांटे नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं बेर का पेड़ लगाना चाहता था लेकिन कांटों के कारण मैं कभी बेर का पेड़ लाया नहीं, लेकिन मुझे नर्सरी वाले ने दिखाया जब कि इस बेर में कांटे बिल्कुल नहीं है, बिना कांटों का इसकी आप पत्तियों के साइज़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इसकी। और ख़ास बात उसने ये भी बताया कि इस बेर में भी साल में 2 बार फल आएंगे। तो ये मेरा आम, और उधर मेरा कटहल, तो और ये मेरा बेर, ये तीनों में साल भर में 2 बार फ्रूट्स आएंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जिस टाइम सीजन में नॉर्मली सब जगह मिल जाता है उस टाइम तो मुझे मिल ही जाएगा इसमें, उसके अलावा भी साल भर में 1 बार और मुझे आम कटहल और बेर मिल जाएगी। तो ये इसमें खास बात था। और ये रहा लीची का प्लांट, ये तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए खास बात ना हो, क्योंकि लीची का प्लांट इसमें कुछ अलग से तो नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए नॉर्मल चीज़ होगा, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश से, इसकी पत्तियाँ काफ़ी कटी फटी हैं तो ये इसकी खासियत नहीं है, ये वहाँ की कमी थी, जहाँ पर इसकी नर्सरी रही होगी वहाँ पर पत्तियाँ कुछ कीड़े इस पर लग गए होंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में लीची इजीली नहीं मिलता है, मतलब कि प्लांट आपको इजीली नहीं देखने को मिलेगा, तो मुझे इसलिए इसमें खास दिखा कि इसलिए मैं इसको लेके आया था। तो मेरा लीची का प्लांट है, और हल्का सा इसका शेप बिगड़ा हुआ है, आप देखते हैं हल्का सा कर्व लिए हुए हैं, तो इसी कारण मतलब काफ़ी बड़ा, और जो प्लांट थे इसमें वो काफ़ी छोटे थे, ये हल्का सा कर्व लिए हुआ था लेकिन काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो मैं इसको लेके आया हूँ। मैं बाद में इसमें किसी डंडे के साथ इसको सीधा कर दूंगा। तो ये लीची का प्लांट है, मैं कुछ खास नहीं, बस यही खास है कि यहाँ हमारे यहाँ लीची इजीली मिलता नहीं है प्लांट उसका, तो ये प्लांट मुझे वहाँ पे दिख गया था, इसको मैं लेके आया। ये सब मेरे नए कलेक्शन थे फ्रूट्स और फ्लावर्स के,
मैं वहाँ फिलहाल गया हुआ था फ्लावर्स लेने के लिए, लेकिन जब उसने मुझे फ्रूट्स का कुछ नया कलेक्शन दिखाया और बिल्कुल अनोखा कलेक्शन दिखाया, तो मैं वहाँ से सारे के सारे जितने भी उसके पास कलेक्शन मुझे अलग लगे तो मैं वहाँ से उठा के ले आया। नॉर्मल दो प्लांट यहाँ पे बेलीफ है और लीची है, लेकिन दोनों हमारे यहाँ पे नॉर्मल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इजली नहीं मिल पाते, तो मैं इसलिए लेके आया। बाकी जितने भी प्लांट हैं मेरे सब में कुछ न कुछ खासियत है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा थोड़ा ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।